नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स का सब्सिडरी का नोट्स चाहिए, बट मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट होने के कारण मैं आप लोगों को अवेलेबल नहीं कर सकती, केमिस्ट्री का डीपली नोट्स अवेलेबल नहीं कर सकती, लेकिन मैं सब्सिडरी केमिस्ट्री का नोट्स अवेलेबल करवा सकती हूँ। क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट आए कि मुझे केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का नोट्स अवेलेबल करवाई हूँ, कहीं से मंगवाई हूँ, सिर्फ आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जिनके जूलॉजी ऑनर्स होते हैं या बोटनी ऑनर्स होते हैं, उनके सब्सिडरी पेपर केमिस्ट्री होते हैं, उनके लिए। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा डीपली नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है। आप लोग मुझे जितना समझ आएगा मैं आप लोगों को उतना बताऊंगी, और उसके बाद मैं जो समझ नहीं आएगा मैं आप लोगों को साइलेंट मोड पे आप लोगों को नोट्स दिखा दूंगी, आप लोग खुद से ये अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन डालूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कोलराउस लॉ। ओके, बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं कि अगर कोई या प्रोनाउंसिएशन में या किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, कोलराउस लॉ, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के समतल चालकता का मान अव्ययी आयनों की समतुल्य चालकता के योग के बराबर होता है। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है, गणितीय रूप से डेल्टा, इसको अनंत बोला जाता है, इजकल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा सी, जहां डेल्टा ए और डेल्टा सी क्रमशः निगेटिव एंड पॉजिटिव के रूप में ऋणायन और धनायन के समतुल्य चालकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर यानी टेम्परेचर पर तथा अनंत तन्यता पर NaCl की समतुल्य चालकता 126.45 तथा सोडियम और क्लोराइड आयन इनकी समतुल्य चालकता 50.11 एंड 76.34 ओम हो तो इन दोनों का योगफल लगभग 126.45 ही होगा, जो कोलराउस नियम के अनुसार है। ओके, इसका यूज जो है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट डेल्टा अनंत के लिए समतुल्य चालकता की गणना, परम आयनिक मोबिलिटी की गणना, अल्प घुलनशील लौनों के घुलनशीलता की को ज्ञात करना, जल के आयनिक गुणनफल को ज्ञात करने के लिए होता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की गणना करने के लिए होता है। ओके, ये आप लोग का हो गया कोलराउस लॉ, जो आपको सब्सिडरी में पूछे तो आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो चलिए मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली एक दो टॉपिक डाल सकूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो या आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, और कमेंट द्वारा बताइएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वो भी बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो को मैं ये और भी इम्प्रूव के साथ डाल सकूं, और नहीं अच्छा लगा हो तो फिर मुझे ये अपलोड करने से क्या फ़ायदा जब आप लोगों को हेल्प भी ना मिल सके, क्योंकि मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो प्लीज़ अपनी एडवाइस कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे बताइए, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।